देखिए शुभ शगुन सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। थैंक यू सर। थैंक यू किस बात का? मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वो यही करता। लेकिन तुम थे एंड आई एम हैप्पी कि तुम थे। थैंक यू वंस अगेन। यू वेलकम सर। आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, इंस्पेक्टर सर ने बोला है कि पुलिस स्टेशन जाके कोई पेपर साइन करने हैं, उसके बाद यही मेरे को घर छोड़ देंगे। ठीक चलें। ये तो ताई के कपड़े जैसा है। ताई, 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 तू यहां कैसे आई? योग। ताई, ताई, तू तो ठीक है ना? अब मैं कुछ बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। ये नजर वजर उतारना हो गया हो तो लड़की से ये तो पूछ लो, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, ऊंच नीच तो नहीं हो गई, ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। हाँ शुभ, बिंदिया कभी तो सोच समझ कर बोला करो, हमारी घर की बेटी है। तो घर की बेटी को गुंडे नहीं छेड़ते क्या? हा? तू बता शुभ, कौन थे वो? ये भी इतने परेशान थे, शायद पुलिस स्टेशन गए होंगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरी बहन के गुनहगारों को मैं खुद ढूंढूंगा और उस दिन वकील भी मैं होऊंगा और जज भी मैं और सजा भी मैं ही सुनाऊंगा। चल कमरे में चल, आ जाओ। चलो विद्या। सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि यह नंबर किसका है। अबे लिख के दो क्या? जैसे बोला था वैसा होना चाहिए। इज्जत का बदला इज्जत। इतना बुरा हाल करो उस लड़की का कि उसका भाई जिंदगी भर तड़पता रहे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका कोई अपना होता है। तेरी जिंदगी का विलन तेरा फूफा है शुभ, जिस तक तू कभी नहीं पहुंच पाएगा। शगुन तू अपने ऑफिस में क्यों नहीं बात करती? इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हो, उनसे एडवांस पेमेंट की या कुछ लोन की बात करना। हाँ शगुन, तू बात करना। ना तो तुम इस कंपनी के एक अच्छे एम्प्लॉय हो और ना ही इस कंपनी का चेहरा बनने के लायक। यू आर फायर्ड। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरी तो नौकरी ही नहीं रही।